युद्ध क्षेत्र में सामने बंधु बांधवों सखा गुरु और पितामह जैसे प्रतिद्वंदी थे। अर्जुन के युद्ध विरत होने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन रहस्य को समझाया जो हर युग में हमें मार्गदर्शन देती रहेगी। कुछ भी संभव है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए काम करते हैं तो आप सभी कुछ कर सकते हैं। कर्म ही तेरा कर्तव्य है, फल की चिंता मत कर क्योंकि फल का हेतु तू नहीं है। हे भरतवर्षी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। जो मुझे भक्ति से याद करता है वह मुझसे संबद्ध होता है और मैं उसे अच्छी तरह संभालता हूँ। जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे दुखों का नाश करता हूँ और तुम्हारे समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाता हूँ। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म फल देने वाला हमेशा ईश्वर ही होता है। मनुष्य जन्म अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। धर्म के मार्ग पर चलो, जीवन को सफल बनाने के लिए। सच्चा धर्म वो है जो शांति, बल और सामर्थ्य देता है। यह मानव जीवन को समृद्ध बनाता है। अर्जुन, तुम वह हो जो समस्त विषमताओं का सामना करते हुए भी धर्म के मार्ग पर अपने कर्तव्य का पालन करते हो। तुम धन्य हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरों की जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले खुद में परिवर्तन करो। जिसका कर्म सच्चा होता है उसे कभी अनिष्ट का डर नहीं लगता। जब हम अपने कर्मों को समझते हैं तब हम उन्हें करने में निरंतरता प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंता करे। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो। सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। मन अशांत है, इसे नियंत्रण करना कठिन है, पर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। धरती पर जिस प्रकार जीवन में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। व्यक्ति का मन ही मित्र या शत्रु होता है। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के भीतर में उथल पुथल कर देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवतार लेता रहूंगा। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है।
वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इसको पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। हे अर्जुन, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है।